को बुलवाए भोजन करते सभी को कहा भाव समझाए सभी को अपने भाइयों को एवं ग्रामवासियों को बुलवा करके कंस उपद्रव मचाने लगा तो एक दिन बाबा नंद ने सभी यादवों को समझाते हुए कहा कि भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव होते हैं कंस की कुटिल क्रूरता से सुख दिया आप ही कुछ उपाय सोचिए तो नंद बाबा बोले इस गांव को छोड़ करके कहीं दूसरे गांव में हम लोग रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो सबकी सुगमत देख के किया यही सुपास गोकुल वालों ने किया रहा ठहरने के बाद गोकुल से वृंदावन में जाकर के रहने लगे हैं तो वृंदावन में वास कर नवलीला दर्शाए मनमोहन कहने लगे माता से समझाए मुन्नी मनोहर श्याम अपनी माँ यशोदा से विनती करते हुए बोले माँ मुझे इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मैं तो उसी पैतृक गांव अपने गोकुल में रहूंगा जाकर के तो माँ यशोदा ने जवाब दिया बेटा कहने लगी माँ यशोदा कि मैया ने कही कन्हैया से और तू यहाँ क्या तुझे अच्छा नहीं लगता और उस गोकुल में जाकर बेटा क्या तो कैसे बोले हम घर में कैसे रह पाते हैं
यशोदा से समझाने लगे हैं। आइए अब सुना इनका एक कीर्तन, उसके बाद हमारे बड़े भ्राता श्री अनिल नादान शास्त्री जी मंच पर विराजमान है, वही आपको भगवान की पवित्र कथाओं का वर्णन करेंगे।